मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा फैसला जुडिशरी आज के हालात में करेगी, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। अब जब आप कल के फैसले की बात दे रहे हैं, उसमें भी जो 3 जजों का एक मानना हुआ, वो 2 जजों का एक है, मतलब डिवीजन वहाँ रहा है। तो इसी तरह से अभी जो कोर्ट की प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा इतना जल्दी कोई नहीं आना है। उसमें भी जो यहाँ स्टेट की बात है, स्टेट के लोगों की बात है, नेशनल लेवल पर पार्टीज़ की बात है, मेरे ख्याल से अभी वो सारे चर्चे चलेंगे, कोई ना कोई कंसेंसस पॉलिसी। अगर 35 ये पास होता है तो क्या कश्मीरियत पे दोगराइज्म, जो लद्दाखीज्म है वो खत्म हो जाएगा, कल्चर हमारा खत्म हो जाएगा, क्या समझते हैं? डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, डेमोग्राफिक चेंजेस आ जाएंगे। क्योंकि आप देखो ना, जिस कठुआ में आप हैं, यहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल सबसे बड़ा हब है। अगर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए आता है तो लीज पर लेना पड़ता है, उसको कंडीशंस पर लेना पड़ता है। और हम गरीब लोग हैं, हमारे पास बाप दादाओं ने बहुत कम ज़मीनें हमारे खाते में डाल रखी है। और अगर ये चीज़ ख़त्म होता है, पूरा भारत उमड़ के आएगा और इस जम्मू रीजन और लद्दाख रीजन में ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स होंगे। और हमारे पूर्वजों ने ये हमें ये सेफगार्ड दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या तब की लीडरशिप ने, तो कुछ सोच के ही दिया है, कुछ सोच के ही दिया है। ऐसा थोड़ी कि उन्होंने कोई उधर से खैरात उठा के हमें दिया। जो हमारी माली और इक्तिसादी हालात उस वक्त थी, तो हम अभी उससे आगे नहीं निकल चुके हैं। जम्मू कश्मीर अभी एट पार विद राजस्थान नहीं हुआ है, एट पार विद महाराष्ट्र नहीं हुआ है, जबकि मैंने पहले ही कहा भारतीय जनता पार्टी की दोहरी पॉलिसी, कहीं तो जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ तो सेफगार्ड्स लगा रहे हैं, और जहाँ सेफगार्ड लगा हुआ है वहाँ पर हटाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को बौखलाने के लिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस ने तो पहले से क्लियर किया, हम तो देने वाले हैं। अगर 1954 की बात आप करें, दिया किसने? तो जो देने वाले होते वो लेने वाले नहीं बनते। सर, कश्मीर के इस ताजा हालात पर 2 शब्दों में बताइए, कैसे हालात हैं और किस कदर लोगों की हालत है? जो मैंने अभी तक आपको सारा बैकग्राउंड दिया, बेसिकली रीजंस वही है, कन्फ्यूजन और क्योस जो पीडीपी और बीजेपी ने इस रियासत में पैदा किया, उसकी वजह से एलिनेशन पोर्शन पिछले 2-2.5 सालों में बढ़ गया। हमें इस बात का गम नहीं था कि अगर किसी रूलिंग पार्टी को नुकसान होता, पब्लिक उससे नाराज़ होते, तो ज़्यादा हमें कोई गम नहीं था, ऐसा होता है। मगर जो पीडीपी और बीजेपी ने लाइअमल रखा जम्मू कश्मीर में, उससे जनरल मेन स्ट्रीम से लोग थोड़े से किनारा हो रहे हैं, यही सबसे बड़ा खतरा है।